दोस्तों आज का जो दिन है वो इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही खास दिन है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले इतने दिनों से जो घमासान चलता आ रहा है उसके बीच ये भारतीय डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। आज दोस्तों भारतीय नौसेना में एक ऐसा युद्ध पोत शामिल होने जा रहा है जो कि रडार की भी पकड़ में नहीं आता है। इससे दोस्तों हमारी भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस युद्ध पोत का नाम है INS कवरती। INS कवरती को दोस्तों इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भारतीय नौसेना में आज कमीशन करेंगे। इंडियन नेवी और पूरा भारत इसको लेकर बहुत ही उत्साहित है। इससे नौसेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। चीन के मुकाबले में दोस्तों अगर भारतीय नौसेना किसी मामले में कमजोर नजर आ रही थी तो वो इन्हीं युद्धपोत के मामले में थी, क्योंकि चीन के पास पहले से ही रडार से बचने वाला युद्धपोत शामिल है और भारतीय नौसेना के पास ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन INS कवरती के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने के बाद भारत चीन को बराबर की टक्कर दे सकेगा। आइए दोस्तों इस खबर पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं रोहित देश और दुनिया से जुड़ी हलचल की खबरें आपके सामने लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला को एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कवरती आज भारतीय नौसेना में कमीशन होने वाला है। INS कवरती आज इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इस युद्धपोत की सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। आपको बता दें दोस्तों कि INS कवरती उन चार एंटी सबमरीन युद्धपोतों में से एक है जिनका निर्माण GRSE ने प्रोजेक्ट P-28 के तहत भारतीय नौसेना के लिए किया है। INS कवरती की एक और खास बात यह है दोस्तों कि इसका 90% निर्माण भारत में ही किया गया है। इसलिए दोस्तों जो भारत की स्वदेशी मूवमेंट है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है ये। आपको बता दें दोस्तों कि इसके अलावा भारत के पास तीन और ऐसे ही युद्धपोत हैं। INS कवरती GRSE द्वारा निर्मित किया गया 104वां युद्धपोत होगा। इसका 90% हिस्सा भारत में ही निर्मित किया गया है और नई टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी मेंटेनेंस यानी कि देखरेख भी कम ही करनी पड़ेगी। INS कवरती जो है दोस्तों ये परमाणु केमिकल और अगर बायोलॉजिकल युद्ध भी होता है तो उस स्थिति में भी ये काम करता रहेगा। आपको बता दें दोस्तों कि इंडियन आर्मी के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बारूदी सुरंगरोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत INS कवरती को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। INS कवरती जहाज की एक और खूबी के बारे में दोस्तों आपको बताएं तो इसमें ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। INS कवरती के इंडियन नेवी में शामिल हो जाने के बाद से भारतीय नौसेना की चीन को लेकर ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और दोस्तों पाकिस्तान के पास तो रडार से बचने वाला कोई युद्धपोत ही नहीं है। इससे दोस्तों पाकिस्तान में टेंशन अभी से बढ़ने लग गई है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों जान से पहले हमेशा की तरह आप सबके लिए आज का सवाल। आज दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि उसमें जो APJ है उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका जवाब आप दोस्तों में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। नमस्कार।